Hello everyone. Myself, Dr. Shweta P. Udapure, visiting faculty, Department of Botany, Jayam Patel, Art, Commerce and Science College, Bhandara. Guided by Dr. Aparna Yadav, Assistant Professor, Department of Botany, Jayam Patel, Art, Commerce and Science College, Bhandara. Today I am going to giving a demonstration of binocular microscope contents are introduction, microscope parts and their function, figure of binocular microscope parts, advantages, applications. Introduction. First, practically binocular microscope was invented by John Leonard Riddell, Professor of Chemistry, Tulane University, USA in 1850. जॉन लियोनार्ड रिडले ने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली बायनोक्युलर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था. ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और इनकी यूनिवर्सिटी चुराने थी और इन्होंने 1850 में किया था. एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज अ लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट स्पेशली ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्मॉल वी कैन नॉट सी विद अ नेकेड आई. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज एज ए लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से हम जो भी छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. स्पेशली बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. प्रिंसिपल ऑफ बायनोक्युलर माइक्रोस्कोप. बायनोक्युलर माइक्रोस्कोप इनेबल द यूजर टू सी द इमेज विथ बोथ आईज at once by dividing the single image between two eyepiece. इसमें हम two eyes दोनों आँखों से eyepiece की help से हम इसमें binocular microscope में हम image को देख सकते हैं. This is because the prism system in the binocular microscope have the light making daylight insufficient when using the 100x oil immersion objective. Microscope parts and their functions. First, arms support the tube and connect it to the base. Arms tube ko support karta hai aur ye base se connected hota hai. Base, the bottom of the microscope used to support. Base, ye jo bottom mein hota hai microscope ke aur ye support karne ka kaam karta hai. Eyepiece, where you look to see the image of the specimen. आईपीस में हम आईपीस की हेल्प से हम जो भी स्पेसिमेन में जो भी इमेज होता है स्पेसिमेन होता है उसे हम देखते हैं. बॉडी ट्यूब कनेक्ट द आईपीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंसेस. ये आईपीस से कनेक्टेड होते हैं. रिवॉल्विंग नोज पीस दिस इज द पार्ट ऑफ द होल टू और मोर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कैन बी रोटेट टू इजीली चेंज पावर. रिवॉल्विंग नोज पीस ये ऑब्जेक्टिव लेंसेस को होल्ड करने का काम करता है. स्टेज द फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर यू टू प्लेस योर स्लाइड. जहां हम अपनी स्लाइड रखते हैं वो स्टेप का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है. फाइन एडजस्टमेंट नॉब स्मॉल राउंड नॉब ऑन द साइड ऑफ माइक्रोस्कोप यूज टू फाइन ट्यून द फोकस ऑफ योर स्पेसिमेन. ये स्मॉल नॉब होता है इसमें और ये माइक्रोस्कोप के साइड में होता है. इसका यूज हम फाइन फोकसिंग के लिए स्पेसिमेन के फाइन फोकसिंग के लिए करते हैं. कोर्स एडजस्टमेंट नॉब लार्ज राउंड नॉब ऑन द साइड ऑफ माइक्रोस्कोप यूज टू फोकसिंग द स्पेसिमेन. कोर्स एडजस्टमेंट में ये बड़ा नॉब होता है माइक्रोस्कोप के साइड में होता है स्पेसिमेन को फोकस करने के लिए इसका यूज किया जाता है. स्टेज क्लिप होल्ड द स्लाइड इन प्लेस. इसमें हम स्लाइड को होल्ड करके रखते हैं. आयरिस डायफ्राम कंट्रोल द लाइट गोइंग थ्रू द एपर्चर. ये लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है. मिरर और लाइट सोर्स यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट टू द स्पेसिमेन सोर्स ऑफ द लाइट. ऑब्जेक्टिव लेंसेस मे हैव स्कैनर low high oil immersion objective and is used to increase the magnification of the specimen.
इसमें ऑयल ऑब्जेक्टिव लेंसेस का यूज स्पेसिमेन को मैग्निफिकेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एपर्चर इज यूज टू होल इन द स्टेज थ्रू द बेस लाइट रीचेस द स्टेज. ये इसमें अपर्चर है, वन टाइप ऑफ होल होता है. इसमें लाइट स्टेज तक इस होल के थ्रू आता है. कंडेंसर इज यूज टू कलेक्ट द फोकस द लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर ऑन द स्पेसिमेन. इट इज located on the stage, often in the conjunction with an iris diaphragm. Iris diaphragm condenser condenser provide the resolution. Binocular microscope part. हम अब इसमें माइक्रोस्कोप के पार्ट के बारे में वन बाय वन इसमें माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट है बेस. ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है लाइट स्विच. इसे हम टर्न ऑन करते हैं जब लाइट ऑन होता है. ब्राइटनेस एडजस्टमेंट. ब्राइटनेस एडजस्टमेंट से हम इसे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं. स्टेज कंट्रोल, इसे स्टेज कंट्रोल किया जाता है. इल्यूमिनेटर शाइन थ्रू द स्पेसिमेन सो इट इज विजिबल. कंडेंसर पोजीशन द कंडेंसर फॉर डिजायर रिजोल्यूशन. डायफॉर्म इसके ये कंट्रोल करता है जितने अमाउंट में आपको लाइट लग रहा है उतने अमाउंट में इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. एपर्चर वन टाइप ऑफ होल होता है, इसे लाइट पास होता है. स्टेज के लिए इसमें स्लाइड को होल्ड किया जाता है. मैकेनिकल स्टेज, इसमें स्लाइड को सपोर्ट मिलता है. नेक्स्ट है आर्म, इसे कैरी हैंडल भी बोला जाता है. इसे हम वन प्लेस से अनदर प्लेस कैरी करने के लिए इसका यूज किया जाता है. नोज पीस, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंसेस होल्ड करने का होल्ड किया जाता है. इससे इसमें थ्री टाइप के इसमें ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं, 10x, 45x एंड 100x. अपर पार्ट इसे हम हेड बोलते हैं. एंड इसमें आईपीस, आईपीस में हम जो भी स्पेसिमेन देख रहे हैं उसे मैग्निफाई करके हम इसे देख सकते हैं. एडवांटेज ऑफ बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप. बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप हैव टू आईपीस व्हिच कैन मेक इट इजियर फॉर द व्यूअर टू ऑब्जर्व स्लाइड सैंपल. इसमें टू आईपीस होता है, इससे हमें स्लाइड का जो भी सैंपल है देखने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए इजी हो जाता है. मेनी यूजर्स आल्सो फाइंड बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप टू बी मोर कंफर्टेबल टू यूज इंस्टेड ऑफ द मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप. मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप की जगह बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप यूजर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप. मेन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज साइंटिफिक रिसर्च. इसका यूज साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है. इट अलाउ अस टू सी थिंग वी कुड नेवर सी विथ नेकेड आई. हमें बहुत से ऐसे चीजें, बहुत से ऐसे स्पेसिमेंस होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो हम इसकी मदद से देख सकते हैं. वी कैन ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड इंटरनल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनल्स एंड एनाटॉमी एक्सेट्रा. मैंने इसमें जो भी पोर्शन लिया है वो नेट के थ्रू एंड बुक्स भी यूज किए हैं. थैंक यू.